कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। मैं हूं जतरू और मैं रमणी भौजी। आप सभी किसान भाइयों और बहनों का भी स्वागत करती हूं। बहुत बहुत जोहार। अपने किसान भाइयों को लिए चलते हैं और दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा के जलाशयों में होगा भारतीय मेजर कार्प और ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं का संचयन। राज्य में बनाए जा रहे हैं 188 गोदाम। बकरी पालन से अच्छी आमदनी के लिए पाले उन्नत नस्ल वाली बकरी ब्लैक बंगाल। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में चतरा जिला के चयनित जलाशयों में भारतीय मेजर कार्प एवं जलीय पौधों के बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है समेकित मत्स्यिकी को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए इच्छुक स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक भारतीय मेजर कार्प और ग्रास कार्प मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए चतरा जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में 15 सितंबर 2015 तक आवेदन दे सकते हैं। झारखंड में लैम्प्स, पैक्स और व्यापार मंडल सहयोग समिति के लिए कुल 188 गोदामों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावे 3 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ भी दिया जा चुका है। साथ ही 5 लाख किसानों को फसल बीमा का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाई, आप अगर पपीता का फल बाग लगाए हुए हैं और इस बागवानी फसल से बेहतर उपज लेना चाहते हैं तो पौधों के पास जल जमाव ना होने दे, क्योंकि अभी भी बीच बीच में बारिश होती है, इसलिए जल निकास के लिए खेत में नाली बना कर रखे। राज्य के जो किसान बागवानी फसल पपीता की खेती कर रहे हैं वो एक बात का ख्याल रखें कि पपीता के खेत में नमी की जरूरत होती है, लेकिन जल जमाव फसल के लिए नुकसानदेह है। चूँकि पपीता के पौधे और जड़ काफ़ी नाजुक होते हैं, इसलिए खेत में पानी जमने से पौधा गिरने के अलावे जड़ सड़न रोग लगने का खतरा रहता है। हालांकि अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश हो तो खेत में पानी न जमे, इसलिए जल निकास के लिए खेत में नाली बना कर रखें। पपीता की खेती में किसान भाई को सबसे जो ज़्यादा जरूरी ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि बरसात में पानी लगने का एक डर होता है, तो कभी भी किसी भी स्थिति में अगर पानी वहाँ पे न लगने दे किसान भाई। अगर पपीता के पेड़ के नीचे अगर पानी लग गया तो आपका पैदावार बहुत कम हो जाएगा, आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि पौधे के आसपास वो मिट्टी जमा कर दें, चाहे वो रीस बना दे पपीते के बगल से कि वहाँ का पानी का जमाव न हो। बकरी पालन स्वरोजगार और कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त करने का उत्तम जरिया है। राज्य के जो ग्रामीण बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं वे ऐसी उन्नत नस्ल वाली बकरी पाले जिसकी शारीरिक बढ़वार तेज हो और वो झारखंड के मौसम के अनुकूल हो। हमारे झारखंड में ब्लैक बंगाल नस्ल की जो बकरियां हैं उनका चयन करें, और मीट उत्पादन के लिए अगर वो जाना चाहते हैं तो ब्लैक बंगाल की मादा चुनें और सिरोही अथवा बीटल नर का चुनाव करें। इनसे जो उनका संकर संतान की उत्पत्ति होगी वो काफ़ी ही बाजार मूल्य में अधिक में बिकती हैं, उनसे उनको काफ़ी लाभ पहुँचेगा। टेरोस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसान आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की भी सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। किसान भाई, यदि आप टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक व पत्र छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलो नीम की खल्ली में
20 किलो डीएपी मिलाकर अपने खेतों में भुरकाव कर दें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति लोहरदगा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2200 रुपए, चावल मध्यम 2200 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 2800 रुपए से 3200 रुपए, गेहूँ 1800 रुपए से 2100 रुपए, चना 5000 रुपए से 5500 रुपए, दाल अरहर 10000 रुपए से 10500 रुपए, दाल मसूर 6000 रुपए से 5700 रुपए, सरसों तेल 10500 रुपए से 11000 रुपए, चीनी 2800 रुपए से 3000 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1400 रुपए और प्याज 4500 रुपए से 5500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सारी से जानकारियां ली, साथ ही साथ मौसम के मिजाज के बारे में भी जाना और मंडी के भाव के बारे में भी हमारे किसान भाइयों ने जाना। अब किसान भाइयों जो हैं, अब लेंगे हम एक छोटा सा विराम, तो आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। विराम के बाद आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है। ये तो होगी स्वागत की बातें जत्रु भाई, मगर आज आपके जानकारी के पिटारे में हमारे किसान भाइयों को देने के लिए क्या है, जरा वो भी बता दीजिए। अच्छा भौजी, आप बैगन खाते हैं क्या? बिल्कुल खाती हूँ, और बैगन तो मुझे बहुत ही पसंद है। और बैगन के साथ आलू और टमाटर हो जाए तो आहा, मुंह में पानी आ गया। मगर क्या है कि यदि हम बैगन की खेती अच्छे से नहीं करेंगे तो हम बैगन खाएंगे कैसे? हाँ ये तो आपने पते की बात बोली है। तो इसीलिए किसान भाइयों, बैगन में लगने वाले कीट व्याधि का नियंत्रण हम कैसे करेंगे, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर साहब आए हैं। कौन है हमारे विशेषज्ञ? विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीना भारती, जो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम सीधे आपको लिए चलते हैं उन्हीं के पास। जैसा कि किसान भाइयों, बारिश बरसात का मौसम है, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि कृषि बाजारों में अभी बैंगन की फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है बैंगन के फसल में जो कीट लगते हैं। जो इसके दूसरे पक्ष है कि सबसे ज़्यादा सब्जी में कीट से परेशानी होती है, तो वो बैंगन का ही फसल है। मैम, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बैंगन के फसल की, तो शुरुआती जो शुरुआत होती है, पौधे की जो शुरुआत होती है, तो कब से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो कीट का जो है प्रादुर्भाव शुरू हो गया बैंगन के फसलों पे? बैंगन में ज़्यादातर देखा जाता है कि
बैगन में ज़्यादा रोग या फिर कीट व्याधि ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जब किसान भाई खेतों में बीज गिराते हैं उस समय से ही उन लोगों को इसका उपाय करना चाहिए। जैसे मैडम हम बात करें झारखंड के संदर्भ की, तो कौन कौन सी हमारे प्रदेश में जो बैगन की फसलें होती है उसमें कौन कौन से जो है कीट है जो ज़्यादा नुकसानदेह होता है या ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारे प्रदेशों में? बैगन में जो ज़्यादातर किसान भाइयों को परेशानी करती है वो कीट है जैसे शीर्ष एवं फल छेदक, तना छेदक, मधुआ, लाही और एक जो प्रमुख है एपिलेक्ना बीटल। ये चार पांच जो कीट हैं जो बैगन के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। मैडम हम अगर हम बात करें कि ये जो सारे कीट हैं जो फसलों पर लगते हैं, तो कब से हमें मतलब बैगन के पौधे की देखभाल शुरू कर देनी चाहिए कि ये कीट लगने वाले हैं या लगेंगे, उसकी समय अंतराल क्या होती है कि कितने समय के बाद अगर पौधे को हम जमीन में डालते हैं या उसके पौधे होते हैं तो कितने समय के बाद जो है ये हमें उस पर ये करना होगा कि ये कीट जो है इस पर अब ये आ सकता है? जैसे शीर्ष और फल छेदक हमने बताया, तो शीर्ष और फल छेदक में जैसे किसान भाई देखेंगे कि ये शुरू से ही इसके जो कीट है वो शीर्ष फल फली को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे शीर्ष भाग से ही पौधे में शीर्ष भाग से ही नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, शीर्ष भाग में ही वो पौधा कीड़ा घुस जाता है जिससे वो पौधा ऊपर से मुरझा जाता है। तो इसमें है कि इसे ये जो कीट जो लगते हैं तो इसमें बैगन पौधा मुरझा जाता है, तो हमें सर्वप्रथम क्या होगा किसान भाइयों को कि जो मुरझा गए उन पौधों को काट करके हटा दें उसके, और उन्हें इस तरह से फेंके नहीं, उन्हें कम से कम मिट्टी में दूर ले जाकर दबा दें। जितने पौधे आक्रांत पौधे दिखाई देते हैं उनको हटा देना चाहिए। अगर हम आगे बात करते हैं मधुआ जो होते हैं जो ज़्यादातर हमारे प्रदेशों में जो बैगन की फसलें होती है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रकोप है इसका, तो इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि ये जब आ जाए इसके पहले क्या कौन सी हम इसके रोकथाम के लिए कुछ करें? ये झुंड में रहते हैं, ये पत्तियों के निचले सतह पर रहते हैं, हरे रंग के होते हैं और ये फुदकते रहते हैं। जैसे आप थोड़े भी पौधे किसान भाई पहचान पाएंगे, जैसे पौधे के पास चले जाएं तो थोड़ा सा उनको हिलाए टहनियों को तो वो कीड़े फुदकने लगते हैं, और ये झुंड में रहते हैं पत्तियों के निचले सतह में रख कर उसका रस चूसते हैं, और जिससे पौधा आक्रांत पौधा पूरा पत्तियाँ सूख जाती हैं और मुरझा जाती हैं इसमें। तो अब अगर जो हम इसके रोकथाम के जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये जो कीट लगते हैं मतलब बैगन के फसलों में, तो इसके जो क्या रोकथाम हो सकते हैं? कीड़ा जो है वो उसमें रहता है, वो अपना जीवन चक्र पूरा करता है, अगर ऐसे फेंक दिए तो वो अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करके फिर दूसरी बार अगर किसान भाई उसी खेत पर कोई दूसरी जैसे टमाटर मिर्च वगैरह लगाएंगे तो उस पर वो नुकसान करता है। तो सबसे पहले तो आक्रांत पौधे को हटा करके मिट्टी में दबा देना होगा, उसके बाद जैसे बिचड़ा रोपने के 10-12 दिनों के बाद कार्बोफ्यूरॉन 3G करके दवा आती है, उसे पौधे के चारों ओर डाल करके उसे सिंचाई कर देना चाहिए। इसके बाद जब किसान भाई इसके बाद भी देखे जब पौधा बड़ा हो गया है उसके बाद भी अगर उसे ये दिखाई दे रहा है कुछ फसलों में इस तरह से शीर्ष एवं फल छेदक के लक्षण नज़र आ रहे हैं तो उस पर वो एक स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों को ये भी ध्यान देना होगा कि जब फूल आते हैं उसे मोनोसिल दवा आती है उसका स्प्रे नहीं करना चाहिए, और जब ये शीर्ष एवं फल छेदक जो लगती है उसके लिए किसान भाई मोनोसिल दवा छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन वो आप सिर्फ ये जब फूल आते हो उस समय नहीं करें। मैडम जो घरेलू उपयोग हो सकते हैं इसके विषय में अगर कुछ घरेलू उपयोग मतलब हो सकते हैं तो उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे किसान भाइयों का? जैसे बैगन के में है उपाय किसान भाई घरेलू उपयोग कर सकते हैं नीम से निर्मित दवा, ऐसे तो बाजार में भी आती है नीम अचूक निम्बसिडीन करके, लेकिन किसान भाई अपने घर में भी नीम का दवा बना करके उसे प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत ही लाभदायक है। तो इनको बनाने के लिए जैसे किसान भाई कर सकते हैं नीम का बीज ले ले, नीम की फली ले ले और उसको वो एक किलो बीज लेकर के उसे 20 लीटर पानी में डाल फुला दें, रात भर 10 से 12 घंटा फुलाने के बाद उसे सुबह में नीम की फली को जैसे हमने बताया पाउडर बना करके उसे ये 20 लीटर पानी में मिला करके रात भर छोड़ दें, उसके बाद उसे दूसरे दिन पतले कपड़े से छान करके अच्छी तरह से मिलाकर छान लें, उसके बाद उसमें 20 ग्राम जैसे अगर कोई दवा नहीं है सैंडोविट टिपोल करके आता वो नहीं है तो 20 ग्राम दवा वो लोग साबुन का घोल ले करके उसमें मिला दें और उसके बाद उससे छिड़काव करें, तो ये ज़्यादातर सब्जियों में बहुत ही उपयोगी है और ये जैविक कीटनाशी दवा हो गया एक तरह से, इसे किसान भाई लगाए तो इससे कोई मतलब
पशुओं को या मनुष्यों को नुकसान नहीं हो। कुछ ऐसे प्रभेद हैं बैगन के जिसपे जो है कीट का कम प्रकोप रहता है, कुछ ऐसे प्रभेद है जिसकी खेती अगर करेंगे हमारे किसान भाइयों तो उसको ज्यादा कीट उस पर नहीं आते हैं? स्वर्ण शक्ति करके है, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पलांडू रिसर्च स्टेशन में बैगन के जितने हैं उसमें उपयोग किया जाता है, वहाँ पे इसका वैरायटी का वैरायटी मिलती है अलग अलग। इसके अलावा है कि सनग्रो 132 है, जो वो भी दवा बहुत ही, वो भी वैरायटी बहुत ही अच्छी है बैगन की, जो किसान भाई लगा सकते हैं। और आप अगर इस तरह से अगर बैगन की खेती करते हैं तो आपको जरूर से जरूर लाभदायक लाभ पहुँचेगा। मैडम हमारे कार्यक्रम में आप आए, इतनी अच्छी चीज जानकारी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब जो है जत्रु भाई, हमारी जानकारी के पिटारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, मगर जो है अभी छोटा सा हम विराम लेंगे। तो किसान भाइयों आप कहाँ चल दिए? अरे बैठिए, हम आ रहे हैं एक छोटे से विराम के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं और आप ही का काम है यानी कि अनाजों का भंडारण करना, तो अगर हम भंडारण करते हैं तो उसमें बहुत सारी रसायनों का इस्तेमाल भी करते हैं और वो रसायन जो है हमारे जो है शरीर को काफी नुकसान भी पहुंचाता है, मगर हम इस नुकसान से बच भी सकते हैं। और वो ऐसे कि अगर हम इसका जो है वो गैर रासायनिक विधि द्वारा अगर हम अपने अनाजों का भंडारण करते हैं किसान भाइयों, तो उससे हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और अनाजों को भी बचा सकते हैं। और इसी के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनय कुमार, जो आपको इसी के बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं उन्हीं के पास। किसान भाइयों, अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं, इसी क्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे अनाजों के भंडारण के बारे में, वो भी गैर रासायनिक विधियों के द्वारा। सर, हम आज बात करते हैं भंडारण की, तो भंडारण में कई तरह की रासायनिक विधियां हैं जिसमें कई तरह के केमिकल और दवाओं का प्रयोग होता है, लेकिन अगर हम बात करें हमारा जो ग्रामीण समाज है, जो छोटे छोटे किसान हैं जो इसको नहीं उसकी लागत को जो है सहन कर पाते हैं, तो उनके लिए रासायनिक, गैर रासायनिक और जो घरेलू विधियाँ हैं वो कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि वो अनाज के भंडारण को उनके सुरक्षित रख सकते। खास के हरित क्रांति के बाद जो है अनाज उत्पादन में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गया है हमारा देश, लेकिन हम ये देखते हैं किसान भाई कि हम जो अन्न उत्पादन करते हैं उसका 30% भाग व्यापारियों के यहाँ चला जाता है, बेच देते हैं, और 70% भाग को हम रखते हैं किसान भाई, वो या तो बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं या खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं या आवश्यकता पड़ने पे हम उसको बेचते हैं और अन्य ज़रूरत की चीज़ें को ख़रीदने के लिए पूंजी के तौर पे, पूंजी के तौर पे हम उसको रखते हैं। तो ये 70% को जब हम भंडारण करते हैं तो इसमें करीब करीब 10% भाग जो है नष्ट हो जाता है उचित भंडारण के, हाँ भंडारण के क्रम में जिसका रख रखाव हम उचित ढंग से नहीं करते हैं तो करीब करीब 10% भाग नष्ट हो जाता है। तो हम किसान भाई हम ये देखते हैं कि इतनी मेहनत से हम उत्पादन करते हैं और हमारा 10% भाग जो है सही रख रखाव के अभाव में नष्ट हो जाता है, तो हमें बहुत अच्छी सावधानी रखनी होगी कि अन्न भंडारण के लिए हम क्या क्या आवश्यकता हमें है, क्या करना होगा, हमें कैसे उसको भंडारित करें ताकि ये सुरक्षित रहे, उसे 6 महीने साल भर के लिए जो है अनाज को हम भंडारित कर सकें। तो किसान भाई हम ये ध्यान देखते हैं कि हमारा फसल नष्ट क्यों होता है, फसल ग्रेन खास के जो अनाज है या बीज है नष्ट क्यों होता है। नष्ट होने के दो कारण हैं, एक तो है क्या मॉइस्चर कंटेंट, उसमें जो है नमी की मात्रा क्या है और वायु में आर्द्रता क्या है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। अगर नमी की मात्रा कम है और वायु की आर्द्रता कम है तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक सुरक्षित हम रख सकते। तो हमको ये ध्यान देखना है
कि हम उसको नमी की मात्रा को कम करें, तो कम कैसे करें, तो उसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं। सबसे पहले है कि हम प्रोसेसिंग करते हैं अनाज का रखने से पहले, ताकि वो ख़राब ना हो। तो उस दरम्यान जो है सबसे पहले हम ड्राइंग करते हैं उसको, जो है मैदान में या प्लास्टिक ऊपर फैलाते हैं सुखाने की प्रक्रिया जो है उसको हम सुखाते हैं। उसको सुखाते हैं कि 10-12% उसका मॉइस्चर कंटेंट हो जाए, 12% लगभग रखते हैं। अगर हम बीज के रूप में उपयोग करते हैं तो 12%, अगर हम उसको खाने के रूप में यूज करते हैं तो मॉइस्चर कंटेंट को और कम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये करते हैं। दूसरी बात है उसको सफाई करते हैं कि जिसमें उसमें डंटल पंटल जो भी खरपतवार है अगर उसको जो है हम निकाल लेते हैं। अगर टूटा फूटा अनाज है उसको भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो टूटा फूटा अनाज है उसमें जो है नमी ऑब्जर्व हो जाता है, शोषित करता है, और वो नमी शोषित होने के बाद वो अनाज जल्दी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि सुखाने के बाद जो है जो टूटा फूटा अनाज है चलनी के द्वारा उसको जो है हम चाल लेते हैं, और खरपतवार भी कुछ है उसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसको हम भंडारण करते हैं। तो भंडारण करने के भी दो तरीके हैं जी। एक तरीका है क्या कि हम उसको बैग में रख के भंडारण करते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि उसको ढेर करके हम भंडारण करते हैं। किसान भाई हम दो तरीके से भंडारण करते हैं। अगर उसको हम बैग में रख के भंडारण करते हैं तो उसके तरीका है क्या कि जिस बैग में भंडारण करेंगे उसको जो है हम खोलते हुए पानी में डुबो कर निकाल लेते हैं, जिससे उसमें जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो नष्ट हो जाते हैं, स्टेरलाइज हो जाते हैं। अब उसमें हम सूखे हुए अनाज को पहले ठंड छाया में हम कुछ देर रखते हैं, जिसके कारण जो है उसमें जो हीट है हीट जो है रिलीज हो जाता है, हीट निकल जाता है। अब उसको हम इस सूखे बैग में हम रख के जो है इसको हम रूम में हम भंडारण करते हैं, और रूम में भी जिसमें रखते हैं उसमें दीवार वगैरह में छिद्र है उसको बंद कर देते हैं, खिड़की वगैरह बंद कर देते हैं कि मॉइस्चर बाहर से ना जाए, ये सावधानी रखते हैं। इसको हम प्लास्टिक के ऊपर में रखते हैं, और इसको बोड़े को हम इस तरह से जो है अरेंज करते हैं, हाँ, जमीन के ऊपर जो है या तो लकड़ी का तख्ता बिछा देते हैं या प्लास्टिक बिछा देते हैं, जमीन के सीधे संपर्क में अनाज का अनाज नहीं आना चाहिए, जिसके कारण मॉइस्चर गेन कर लेता है। और ध्यान देते हैं कि दीवार से 1 मीटर की दूरी पे हम रखें, और बीच बीच में, और इसको हम रखते हैं क्या कि एक लेयर को हम लंबाई वाइज अगर रखते हैं तो उसके ऊपर दूसरे लेयर को चौड़ाई वाइज रखते हैं, क्रॉस करके रखते हैं। इस तरह से इसको जो है हम जो है 5 फीट तक ऊपर हम ले जाते हैं, हाइट तक ले जाते हैं, और बीच बीच में हम सावधानी देते हैं कि इसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं हुए हैं। अगर हुए तो उसमें हम कुछ हीटर जला के उसको टेम्परेचर को थोड़ा सा हम वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जिसके कारण मॉइस्चर कंटेंट कुछ जो है लूज करे, इसके कारण भी कीड़े मकोड़े कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा विधि है कि हम ढेर करके रखते हैं। तो ढेर करके रखने के लिए भी हमको ये सावधानी रखनी होती है कि हम उसको कोठी वगैरह में रखते हैं, या फिर स्टील का जो होता है कंटेनर होता है उसमें हम रखते हैं। तो इसमें हमको सावधानी ये देना है कि मॉइस्चर कंटेंट उसका तो कम होना चाहिए, रूम की आर्द्रता ये सब पे तो ध्यान देना ही है, साथ साथ हम देखते हैं कि उसमें जो है नमी की मात्रा बाहर से प्रवेश ना करे, कंटेनर पूरी तरह से एयर टाइट हो। या कोठी भी बनाते हैं तो खास के जो है आजकल जो नया जो है पूषा बिन है, तो उसमें होता है कि ईंट का कोठी बनता है कच्चे ईंट का, और उसमें अंदर से जो है प्लास्टिक का एक लेयर दिया जाता है, जिसके कारण जो है उसमें जो है बाहर से जो किसी तरह का नमी जो है नहीं जाता है। और हम कंटेनर भी रखते हैं, या बहुत सारे मुरई टाइप का भी जो है गाँव में खास के जो है किसान भाई जो है मुरई टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें पुआल का बनाते हैं, तो उसको बाहर से जो है गोबर वगैरह जो होता है काउडंग जो होता है गोबर से हम लेप लगाते हैं, जिसके कारण बाहर से हवा के बाहर हवा भी ना जाए, कीड़े मकोड़े का भी अटक ना हो, ये चीज को सुरक्षित करते हैं सर। और कीट का भी खासा प्रयोग जो उनका रहता है प्रभाव होता है, चाहे वो चूहे हो या और कुछ हो, तो उनसे बचाने के लिए जो उनके घर पे उपलब्ध संसाधन है या फिर भंडारण से संबंधित जो घर पे उपलब्ध संसाधन है वो कौन कौन से ऐसे हैं जो कि भंडारण में उपयोग किए जा सकते हैं? तो खास के जो है गांव वगैरह में नीम का पत्ती मिलता है या सिंधवार का पत्ती होता है, ये भंडारण के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस पत्ती को 1 kg पत्ती करीब 1 क्विंटल अनाज के लिए जो है माने सफिशिएंट है। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, खास के बैग में इसको हम डाल देते हैं ड्राई करके, या कोठी में भी हम डाल देते हैं इस रेशियो से, तो उसको हम अच्छी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कीड़े मकोड़े से, और उसको बचाव कर सकते हैं। खास के जो है चूहा, हम खास के किसान भाई जो है अन्न भंडारण में चूहा भी बहुत तंग करता है, उसके प्रभाव से चूहे करीब करीब 2.5% 2.5% अनाज का बर्बादी जो है चूहे के कारण होता है, क्योंकि चूहे जितना खाता है उसका 10 गुना अनाज जो है वो बर्बाद करता है। तो ये अन्न भंडारण में एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो किसान भाई हम ये देखते हैं क्या कि अगर चूहे को नियंत्रण करना है
तो उसके तरीके हमको ऐसे इस तरह से रखना होगा कि चूहे वहाँ नहीं पहुँच पाए। उसके लिए है कि हम बैग को या कोठी को हम जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर हम रखते हैं, वो ताकि चूहे जो है 1 मीटर उसकी कैपेसिटी है कि 1 मीटर से ज़्यादा वो जंप नहीं करता है जी। 1 मीटर तक जंप नहीं करता वो, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वो हम 1 मीटर की ऊंचाई पर रखते हैं और प्लेटफॉर्म बना, और प्लेटफॉर्म में एक जो है कॉलर बनाते हैं, कोनिकल कॉलर बनाते हैं। उस कॉलर के कारण जो है चूहे चढ़ता तो अवश्य है, लेकिन कॉलर के कारण जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ पाता है। इसके कारण जो है हम चूहे का नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो लागत के हिसाब से जो घरेलू उपाय हैं वो उनको किस तरह से लाभ पहुंचाते हैं भंडारण में? हाँ, भंडारण में जो है खास के जो है अगर हम हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी लागत नहीं है, घर में हमारे जो है मिट्टी के कोठी वगैरह बनाना है वो बहुत सस्ते में हो जाता है, या फिर नीम का पत्ती या सिंदूर का पत्ती वो गाँव वगैरह में आसानी से मिल जाता है, इसमें भी कोई लागत नहीं है। तो अगर घरेलू स्तर पे अगर हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं लगता है। वो सिर्फ तरीके को जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं और वो अच्छी तरह से जो है इसका नियंत्रण कर सकते हैं। घरेलू स्तर पर भंडारण करते हैं तो मानव स्वास्थ्य को भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, नहीं पड़ता है बिल्कुल ही। अगर रासायनिक का उपयोग करते हैं उसका जो है मानव पे काफ़ी इफेक्ट होता है, जब उसको खाते हैं उसमें इफेक्ट आता है, क्योंकि किसान भाई जो है क्या रिकमेंडेड है उसका केमिकल वो पता नहीं रहता है, उसको भंडारण में उसका इस्तेमाल कर देता है। अगर उसको बीज के रूप में है तो ठीक है, लेकिन खाने में जब हम करते हैं तो उसका असर भी है शरीर पर पड़ता है। इसलिए किसान भाई अगर जो है हम केमिकल का इस्तेमाल ना करें और जो हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है उसका उपयोग करें और उसका ठीक से हम प्रबंधन करें तो हम इन चीज़ों कीड़े मकोड़े और ये चूहों से हम नियंत्रण करके है अन्न भंडारण में जो लॉसेस है 10% का उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि विनय साहब ने बहुत विस्तार से बताया आपको कि अनाजों का भंडारण जो है गैर रासायनिक विधि से किस तरह से किया जा सकता है, और जो आपके पास में उपलब्ध संसाधन है उन्हीं से आप इनका भंडारण अच्छी तरह से कर सकते हैं, और जो 10% का हानि है भंडारण के तरफ से उसको भी आप नियंत्रित कर सकते हैं। और इस पर महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। सर, आपका हमारे साथ धन्यवाद साहब ने, वाह क्या बात है जी। तो देखिए, समय तो हो चला है हमारे किसान भाइयों से जो है वो बिछड़ने का, विदा लेने का, क्योंकि मन तो मुझे करता नहीं इनसे बिछड़ने का, मगर क्या करें, हमारे साथ जो है वक्त की मजबूरी हो जाती है किसान भाइयों। तो खैर कोई बात नहीं, हम आपके लिए जो है जानकारी लेकर जरूर आएंगे, मगर उससे पहले हम अपने किसान भाइयों को हमारा पता तो बता दें, मगर पता बताने से पहले जरूरी है कि हम अपने किसान भाइयों को ये भी बता दें कि किसान भाइयों, अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो, कोई भी सुझाव हो, अगर आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमारे जत्रु भाई के दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जत्रु भाई जो है वो पता बता दीजिए। तो हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। आशा करते हैं कि जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे, और अगले अंक में हम आपसे वादा करते हैं कि आएंगे और बहुत सारी जानकारी लेकर के आएंगे। तो जाते जाते हम आपको जो है विदा कर देना जरूर चाहेंगे, और हमें भी आप विदा दे दें, यानी कि मैं रमणी भौजी आप सभी से विदा लेती हूँ, और मैं जत्रु जोहार जोहार।